देखिए, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है और माननीय मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास इस महामंत्र के साथ 140 करोड़ को लोगों को अपने साथ चलने के लिए विवश किया है। तो जितने भी चरणों का अब तक, दो चरणों का हो चुका, तीसरे चरण का होने वाला है, मुझे लगता है कि सब जगह मोदी 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 जी ने जो कह दिया आपकी बार 400 पार, तो मोदी की बात को लोग गारंटी की गारंटी समझते हैं। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि मोदी जी के 400 पार के नारे को जनता ने हृदय स्वीकार कर लिया है और निश्चित रूप से 400 पार होगा। इंडिया अलायंस को किस तरह से देखते हैं? इंडिया गठबंधन के, इंडी गठबंधन के वो लोग हैं या बेल पर हैं या जेल में हैं या जेल में जाने वाले हैं, एक गठबंधन उन लोगों का जिन्होंने देश को लूटा है। चुनाव के बाद कुछ लोग जेल में गए हैं, बेल पर हैं, कुछ लोग जेल में जाने वाले हैं। बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है, हम संवैधानिक व्यवस्था में विश्वास रखते हैं। अमेठी छोड़ करके राहुल 19 में भाग गए थे, सोनिया जी 2024 में रायबरेली छोड़ के भाग गई, तो वो अमेठी भी हार रहे हैं, रायबरेली भी हार रहे हैं। अब इसके लिए इस प्रकार की वो खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचती है, वैसी हरकतें कर रहे हैं, हम ऐसी हरकतों की निंदा करते हैं। मैंने उस संदर्भ में संज्ञान लिया, भाला तोड़ने का प्रयास किया गया, मूर्ति को खंडित करने का प्रयास किया गया, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। और मैनपुरी संसदीय क्षेत्र के सभी सुधी मतदाताओं से, राष्ट्रवादी लोगों से अपेक्षा करते हैं लड़ाई के माध्यम से नहीं, वोट के माध्यम से इसका सटीक जवाब देंगे। शिवपाल यादव जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर हमारे कार्यकर्ताओं को छोड़ा नहीं गया तो पूरब से लेकर पश्चिम तक सभी थानों का घेराव करेगी हमारे। माननीय शिवपाल जी हमारे मित्र हैं, उनको ध्यान रखना चाहिए, सपा की सरकार नहीं है। जो कोई भी गुंडागर्दी करने का प्रयास करेगा उसका स्थान जेल में होगा, उत्तर प्रदेश उसके लिए स्थान नहीं है। आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम की लड़ाई करवाती है, पहले जवान शहीद नहीं होते थे, पहले ऐसी कोई घटनाएं नहीं होती है, लेकिन आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव को स्टालिन के बेटे का बयान सुनना चाहिए, हिंदू डेंगू है, मलेरिया है, इसे ख़त्म कर देना चाहिए। और उनके साथ जो खड़गे साहब खड़े हैं, खड़गे साहब ने कहा कि मोदी को रोको नहीं तो हिंदू मजबूत हो जाएगा, सनातन धर्म मजबूत हो जाएगा। जो लोग तुष्टिकरण के आधार पर राजनीति करते रहे, तुष्टि के कारण जिन्होंने देश का बंटवारा किया, वो हमें उपदेश देने का प्रयास न करें। आने वाली 4 तारीख को दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वो व्यक्ति कभी भी राष्ट्र की बात नहीं करता। अच्छी बात है, हैदराबाद से इस बार असदुद्दीन ओवैसी हार रहे हैं बुरी तरह से।